Hello, everyone. Welcome to my channel. Guys, everyone wants to speak in English fluently and confidently without any hesitation. That's why I made this video for you so that you can speak in English fluently and confidently without any hesitation. Okay, but before that, I would like to say like and subscribe my channel. Guys, today you are going to learn from this video some vocabulary and sentences related to tea. Let's start. तो चाय की पत्ती को इंग्लिश में कहते हैं टी लीफ चाय का बर्तन जिसमें चाय बनाते हैं उसको बोलते हैं टी पैन तो चाय का बर्तन से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाए फटाफट तो अगर आपको हिंदी में कहना है कि चाय का बर्तन कहाँ है तो इसको इंग्लिश में बोलिए वेयर इज द टी पैन मुझे चाय बनानी है आई वॉन्ट टू मेक अ टी वेयर इज द टी पैन ओके चाय छानने की छन्नी को बोलते हैं स्ट्रेनर लेट्स मेक अ सेंटेंस रिलेटेड टू स्ट्रेनर चलिए स्ट्रेनर से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं चाय छान दो को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन द टी चाय छान दो को इंग्लिश में कहिए स्ट्रेन द टी चाय उबल रहा है तो बोलिए टी इज बॉइलिंग चाय उबल रहा है को बोलिए टी इज बॉइलिंग हरी इलायची को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन कार्डमम जिंजर अदरक को जिंजर कहते हैं और कुटा हुआ इलायची या कुटा हुआ अदरक जो होता है उसे क्रस्ड बोलते हैं क्रस्ड जिंजर क्रस्ड कार्डमम चाय में अदरक डाल दो या जिंजर डाल दो जो भी आपको कहना है तो आप उसको बोलिए ऐड जिंजर इन द टी आई यू कैन से ऐड कार्डमम इन द टी ओके चाय परोसना चाय किसी को देना तो सर्व द टी चाय देना यानी सर्व द टी और आपने किसी को चाय सर्व किया है और वो चाय ठंडी हो रही है और आप कहना चाहते हैं इंग्लिश में कि चाय ले लीजिए आपकी चाय ठंडी हो रही है तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोलिए योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड प्लीज हैव योर टी आई यू कैन से हैव योर टी योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड ओके एंड uh, कोई शुगर फ्री चाय पसंद करता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो चाय सुगर फ्री लेना पसंद करते हैं तो शुगर फ्री चाय बना दो को इंग्लिश में बोलिए मेक शुगर फ्री टी मेक शुगर फ्री टी और अगर आपको कहना है कि चाय में शुगर कम है क्या मैं और शुगर डाल दूँ तो इसको इंग्लिश में बोलिए देयर इज़ लेस शुगर इन द टी Should I add more? Should I add more? Okay. I hope you will speak in English. Whatever you learn, you will try to speak in English while conversation.